कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह की हिम्मत कैसे हुई मुझसे हिसाब मांगने की, वह मुझसे 15 माह का हिसाब मांगते हैं, कभी 15 साल का हिसाब भी दे दें। भाजपा सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचार, माफिया व मिलावट का केंद्र बना दिया था, जिसके कारण निवेशक यहाँ आने से कतराते थे। इस गंदगी को साफ करने में मुझे 15 माह का समय लग गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आगामी उपचुनाव तय करेगा कि मध्य प्रदेश कौन सी पटरी पर चलेगा। कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ग्वालियर चंबल में घोषणाएं तो बहुत की, लेकिन उनमें से कितनी पूरी हुई हैं ये भी जरूर बता दें। मतदाता समझ रहे हैं कि किस प्रकार प्रदेश में सौदे की सरकार बनी है। ये सरकार वोटों से नहीं, नोटों से बनी है। अब संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे जैसे नेताओं की तो कट गई, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए चिंता करना होगी। 12 घंटे काम कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। आज तो नौजवान है, आज उनका समय उनका इतना संपर्क नहीं रहा, तो कैसे आप नई टीम बनाएंगे, आप पन्ना प्रभारी बनाएंगे। हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, ग्वालियर के विकास में, क्योंकि दूसरा हमने जिम्मेदारी उठाई थी। पर उसका क्या परिणाम है, मुझे तो कभी ग्वालियर की सड़कों को देख के दुख होता है। कितने फ्लाईओवर है, कितने फ्लाईओवर है आज को फेंकते हुए ग्वालियर, अगले 10 साल में जो आज के नौजवान बुजुर्ग हो जाएंगे, कैसा ग्वालियर हम चाहते हैं, क्या एक बस्ती बनाना चाहते हैं, कैसे हम शहर को फैलाएं, कैसे हम सैटेलाइट सिटी बनाए, कैसे मेट्रो आएंगे हम पूरे चंबल में, जो मुझे आवेदन मिलते हैं, ताजुब होता है, जबकि पाते जिंदगी जिनको राज मिल सकती है वो नहीं मिलती, पर कोई आवाज उठाने वाला तो होना चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि हम तो चाहते थे कि निवेश आए, लेकिन व्यवसायियों को एमपी पर भरोसा ही नहीं था। भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में मजदूरी पैदा हुए हैं, क्योंकि शिवराज जी ने कोई रोजगार नहीं दिया। इन्वेस्टर मीट के नाम पर नाटक जरूर किया गया। प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार गुंडागर्दी की थी, जिसे हमने बदलने का पूरा प्रयास किया, एंटी माफिया अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई की। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।